नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि अपनापन, आदर, परवाह और थोड़ा सा समय, ये वो अमूल्य संपत्ति है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। और यदि ये संपत्ति हम अपनों को देते हैं, अपने संबंधों में इन्हें इन्वेस्ट करते हैं, तो सचमुच संबंध बहुत ही हरे भरे रहते हैं। और आजकल इन्हीं की थोड़ी कमी महसूस होती है लोगों को। समय हमारे पास कहाँ है, हम तो भागम भाग में लगे हुए हैं। थोड़ी सी परवाह भरी बात कर लें, केयर भरी बात कर लें, वो भी कई बार हमसे नहीं हो पाता है। हम ये सोचते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। लेकिन आदर करना, परवाह करना, वक्त निकालना, अपनत्व का एहसास कराना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे परिवार में, चाहे कारोबार में। जब ये चीज़ें होती हैं तो सचमुच जीवन मधुरता से भर जाता है, संबंध मधुरता से भर जाते हैं और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, केवल धन कमा लेना, साधनों को एकत्रित कर लेना सफलता नहीं है, लेकिन अपनों में अपनत्व की भासना पैदा करना, उसे स्वयं भी महसूस करना, सचमुच ये सबसे बड़ी सफलता है। और आप ऐसी सफलता अर्जित करें, ऐसी ही मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। छोटे लोग लोगों पर चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और महान लोग विचारों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोगों पर चर्चा करने वाले अगर लोगों के अवगुणों के ऊपर चर्चा करना छोड़ के गुणों के ऊपर चर्चा करें और घटनाओं पर चर्चा करने वाले घटना से क्या सीखना है उसके ऊपर चर्चा करें तो परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो विचारों के ऊपर चर्चा करते हैं वह अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं और वह समाज को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद चर्चा के विषय बन जाते हैं। परमात्मा भी कहते हैं कि दुनिया के विस्तार को ना देख सार में रहो, मिट्टी को ना देख ज्ञान रत्नों से खेलो, तब जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। मित्रों, कहते हैं कि गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है और उसे परिवर्तित कर देना सचमुच यही प्रगति की निशानी है। हम गलती ही ना करें ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना और उसे परिवर्तित कर देना, यही वास्तव में बुद्धिमानी है और यही हमें प्रगति की ओर ले जाती है। जब हम जीवन में स्वास्थ्य संबंधित बातों को भी देखते हैं कि यहाँ गलती हो रही है, उसे ज़रूर परिवर्तित कर लें, क्योंकि वो हमें या तो बीमारी की ओर ले जाएगी या फिर परिवर्तन कर लेने के बाद संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। तो न केवल स्वास्थ्य की बात है मित्रों, लेकिन जीवन के हर पहलू में इस सुंदर बात को धारण ज़रूर करें कि जैसे ही हमें पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, परिवर्तित करके प्रगति की ओर चलें। तो आप सतत प्रगति की ओर बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि हर दो दो घंटे में खाना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ दिन में दो बार खाना चाहिए, तो बाकी के लोग पूछते हैं भाई हम फॉलो करें तो क्या करें, ये इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आप अपने बॉडी के सिग्नल को समझिए। कोई दो बार अगर दिन में भोजन कर रहा है, बाकी सारे टाइम वो बिना खाए है, तो शायद उसको वो सूट कर रहा है। कोई अगर चार बार थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खा रहा है तो उसको सूट कर रहा है, तो वो उसके उसकी बॉडी की टाइप वैसी होगी। तो आपको समझना है कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे बॉडी की टाइप क्या है। तो दो बार जो भोजन होता है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारी जो भारतीय जीवन शैली है उसमें यही सिस्टम था कि हम सिर्फ लंच और डिनर करते थे और बीच में कभी कुछ खाने का मन किया तो फ्रूट्स खाते थे, जो मैंने खुद अपने दादा दादी नाना नानी को देखा है और हमारे घर में भी यही सिस्टम फॉलो हुआ है। लेकिन हम
आज के दिन में हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती है और स्पेशली जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं भागदौड़ बहुत होती है, तो उन्हें लगता है कि हमें बीच बीच में खाते रहना चाहिए। तो अगर आप हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें खा रहे हैं उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं या फिर सैलड ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, तो 2-3 घंटे में आप एक बार लेते हैं तो वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बीच में थोड़ी आपने रोटी खाई, उसके 2 घंटे के बाद में आपने एक छोटा पीस पिज़्ज़ा खाया, फिर 2 घंटे के बाद में किसी की बर्थडे पार्टी थी तो आपने एक छोटा पीस केक खाया, तो आप ये कहेंगे कि हमने तो छोटे छोटे पीस खाए, छोटा पीस पिज़्ज़ा, छोटा पीस केक, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क बहुत पड़ रहा है, क्योंकि वो सारे हाई कैलोरी होते हैं। छोटे पीस में भी बहुत कैलोरी होता है जो डाइजेस्ट आसानी से नहीं होता है, और ये है एक ओवर ईटिंग का रीज़न। हमें पता ही नहीं होता है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और हमारे हेल्थ को वो डैमेज कर रहा है। तो ज़रूर अपने भोजन के तरफ ध्यान रखिए, आप कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि दूध, दही, छाछ और घी एक ही कुल के हैं, लेकिन सबके मूल्य अलग अलग हैं। हम भी अपने जीवन में जब देखते हैं, हम सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, लेकिन सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग ऊंचाई पर हैं। कोई निम्न है, कोई मध्यम है, कोई उच्च है। क्या गहराई से इस पर हमने कभी विचार किया? कुल तो एक ही है, इंसान तो हम सभी हैं, लेकिन ये स्तर क्यों बन गए हैं? वास्तव में जन्म से ही कोई महान नहीं होता, लेकिन अपने गुणों और कर्मों के आधार पर ही वो महान बनता है, शिखर की ओर पहुंचता है। और ऐसे ही विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें मिलते हैं जो शिखर पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गुणों को धारण किया है, अपने जीवन को आध्यात्म के रंग से रंगा है और अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन के मूल्य को ऊंचा उठा सकते हैं। आप इस एक मुलाकात के मंच पर जी। बाबा के घर में पधारे हैं, ये आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ आकर सबको एक बड़ा सुकून मिलता है, चाहे वो सारा विश्व घूमा हो, लेकिन ये धरती एक अलग सुकून देती है, अलग शांति देती है। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? 165 कंट्री जा चुकी हूँ, लेकिन वो एक दुनिया कला के क्षेत्र में एक अलग है और ये एक आत्मा के क्षेत्र में अलग है। ये अंदर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया है। और पहली बार मैं यहाँ आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये भी एक दुनिया होती है। और मैं 2 दिन से आई हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रुकेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे और जितना हो सकता है उतना एक आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। तो शांति कहाँ मिल सकती है? तो वो यहाँ मिल सकती है, बाबा के दरबार में मिल सकती है आत्मा की शांति। जयपुर महारानी गायत्री देवी ने कहा कि बेटा तू बहुत आगे जाएगी। राजीव गांधी जी को पता चला कि अमेरिका के लोग मुझे यहाँ रख रहे हैं टीचर के रूप में और नौकरी दे रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ और मेरे पापा गुजर गए हैं, फिर भी मैं आई हूँ। तो वो सारी चीज़ का उनको पता चला, वो आके कहा कि मैंने सुना कि आपके मैंने डांस करके दिखाया और गाना सुनाया, तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, गा भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मैंने सुना कि आपके पापा आने से एक रोज पहले गुजर गए बेटा, फिर भी आप आए, कितनी हिम्मत है आप में। मैंने कहा देश के लिए तो आना पड़ा मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपना देश छोड़ के परदेश में जा रही मेरी कला दिखाने के लिए, और मेरे समाज के लोग इस कला को मान नहीं रहे, तो मेरे को मानता दिलाने है। तो वो बात होगी दीपक तले अंधेरा, सारे जग में रोशनी हो। तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं तेरा बाप तो नहीं बन सकता, भाई तो बन सकता हूँ। मैंने मेरे चुटीले से रेबियन निकाल के उनके हाथ की राखी बांधी, स्टेज पे मेरे धर्म के भाई बने, और बस मेरा बड़ी बड़ी मैगजीनों में, बड़ी बड़ी किताबों में नाम आ रहा था। यहाँ समाज के लोगों को कहते हैं अरे तुम्हारे समाज की लड़की अमेरिका गई हुई है, बहुत बड़ा नाम कर रही है, अरे साहब कलंग है कलंग, वो लड़की का नाम मत लो, भाई तुम चाय पियो, देखो बैठो। और वो लड़की ने तुम्हारा नाम किया, देखो सपरा समाज का नाम हो रहा है, कालबिलिया समाज का नाम हो रहा है। हाँ साहब। तो उनको जब चाय का गिलास हाथ में दिया तब वो उन लोगों ने माना कि यार उस बेटी की वजह से अपनों को बरोबर बिठा के चाय पिला रहे। अच्छा। कटोरे में चाय डालते थे, छुआछूत करते थे, आज अपनों को बरोबर मंच पे बिठा रहे, कुर्सी पे बिठा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब वापिस आई
तब समाज के लोग मुझे दिल्ली आए लेने के लिए, मेरा बहुत मान सम्मान किया, समाज का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा। और कहा के बोले बेटा तेरे जैसी बेटी हमें भी चाहिए। मैंने कहा मेरे जैसी बेटी चाहिए तो आप एक प्रॉमिस करो, आप बेटियों को नहीं मारोगे। तो मेरे समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया और कहा कि हम आज के बाद किसी बेटी को नहीं मारेंगे, ये रिवाज यहीं खत्म करते हैं बेटा, आपने ये रिवाज खत्म करवा दिया। कहते हैं जरूरी नहीं कि हर पल लब पर ईश्वर का नाम आए, लेकिन वो लम्हा भी अनमोल है जब इंसान इंसान के काम आए। सचमुच जीवन का ये सत्य है मित्रों, जब दूसरों के काम हम आते हैं तो दूसरों की दुआएं तो मिलती हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर के ही महावाक्य हैं ये कि जब तुम औरों का भला करते हो तो तुम्हारा भला स्वतः ही हो जाता है। और इसी भलाई के कार्य में परमात्मा के इसी महावाक्य को अपने जीवन का मंत्र बनाकर आगे बढ़ रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, जो सभी को ईश्वर से जोड़ रही हैं, सभी के जीवन में सुख शांति का अमृत घोल रही हैं। आइए देखते हैं उनके सुंदर परमात्म कल्याण के कार्य को, सेवा कार्य को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। मुंबई के घाटकों पर स्थित ब्रह्मा कुमारीज योग भवन पर सिंधी संस्कृति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 सिंधी भाई बहनों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर घाटकों पर सबजोन की निर्देशिका पीके डॉक्टर नलिनी दीदी जी ने जीवन में मीठी बोली, मीठा व्यवहार और सभी में मिठास फैलाने की प्रेरणा प्रदान की। साथ ही अतिरिक्त निर्देशिका पीके शकु दीदी ने कहा कि अपने जीवन के मूल्यों को पहचान कर सदा सत्कर्म और श्रेष्ठ विचारों से अपना जीवन बनाएं। इस दौरान सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें नृत्य एवं मनमोहक गीत प्रस्तुतियां भी दी गई। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के विष्णुप्रिया बहन ने सभी को मूविंग मेडिटेशन द्वारा शांति का अनुभव भी कराया। मित्रों चलते चलते आपके चिंतन और चेकिंग के लिए एक सुंदर सी बात दिए जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी प्रदान कर सकता है? आपका पति, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, आपके भाई बहन या अन्य संबंधी, कौन है वो जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है? वास्तव में आपके ये सारे रिश्तेदार, सारे ही साथी आपके साथ हमेशा खड़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी आपको आप ही प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है, या आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, आप चिंतित रहते हैं या चिंतन में रहते हैं, आप अपने जीवन को आनंद से बिताते हैं या फिर निराशा के दलदल में अपने आप को धकेल देते हैं। तो आप ही वो हैं जो अपने आप को शिखर की ओर ले चल सकते हैं, सदैव खुश रह सकते हैं, सदैव आनंद में रह सकते हैं और हमेशा ही अपने आप को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों गहराई से इस पर विचार कीजिएगा कि मैं किस प्रकार के चिंतन में रहता हूँ, मैंने अपने जीवन का क्या ध्येय बनाया है और मैं किस प्रकार उसके लिए समर्पित होकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप निरंतर खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।